नमस्कार, मैं शब्दम। स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है बीते कई दिनों से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कुछ दिनों पहले इस शो से शहजादा धामी और प्रतीक्षा होनमुखे को टर्मिनेट कर दिया गया था। शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने हाल ही में खुलासा किया था कि अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से शहजादा धामी और प्रतीक्षा को टर्मिनेट किया गया था। वहीं अब सालों बाद राजन शाही ने हिना खान को लेकर चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। दरअसल साल 2009 में ये रिश्ता क्या कहलाता है शुरू हुआ था। तब शो में हिना खान लीड एक्ट्रेस थी। हिना खान ने साल 2016 तक इस शो में काम किया था। हालांकि बाद में ऐसा क्या हो गया जो हिना खान को शो से रातों रात बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। दरअसल हाल ही में लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने खुलासा किया कि हिना खान के बर्ताव की वजह से उन्हें शो से बाहर कर दिया गया था। राजन शाही ने कहा, हिना खान के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीम ने बेहद खूबसूरत 6 साल बिताए। इनका रिश्ता काफी अच्छा लगा, लेकिन आखिर के कुछ महीने बेहद खराब रहे। हिना खान ने ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शूटिंग के दौरान एक दफा दी गई लाइनों को बोलने से इनकार कर दिया। ये लाइनें शिवांगी जोशी के किरदार को ग्लोरीफाई कर रही थी। राजन शाही ने इसके साथ ही आगे कहा, एक दिन शूट चल रहा था और हिना खान कुछ लाइनों को नहीं करना चाहती थी जो शिवांगी जोशी के किरदार नायरा के सपोर्ट में थी। उस वक्त एक तरह का स्क्रिप्ट स्तर पर हिना खान ने इंटरफेयर किया, जिसकी वजह से उन्होंने वो लाइन बोलने से इनकार कर दिया। मैंने उस दिन उन्हें कहा कि जैसी लाइनें हैं उन्हें वैसे ही बोलनी होंगी। वो तैयार नहीं हुई और मैंने उन्हें कहा कि वो या तो वो शूट करें या शो से निकल जाएं। इसके बाद हिना खान ने पूरे दिन मेकअप रूम में बिताया। इसके बाद जब वो रात में शूट से घर चली गई तो मैंने मैसेज कर दिया गया था कि उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। तो आपने देखा कि राजन शाही का कहना है कि हिना खान को उनके इस बर्ताव की वजह से शो से बाहर कर दिया गया था। बता दें कि हिना खान टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। हिना ने ये रिश्ता क्या कहलाता है के अलावा कई शोज में काम किया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है को छोड़ने के बाद हिना खान ने रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी में भी काम किया था। वो इस शो में फर्स्ट रनर अप रही थी। इसके बाद हिना खान ने सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 11 में भी काम किया था। इस शो में भी वो फर्स्ट रनर अप रही। वहीं हिना खान ने एकता कपूर के शो नागिन 5 के जरिए भी दर्शकों को एंटरटेन किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने एकता कपूर के शो कसौटी जिंदगी के पार्ट 2 में आइकॉनिक कैरेक्टर कमौलिका का किरदार निभाया था। हिना खान ने टीवी पर काम करने के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया है। वहीं बात करें प्रोड्यूसर राजन शाही की तो ये रिश्ता क्या कहलाता है के अलावा उनका शो अनुपमा भी दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है। ये शो बीते कई सालों से टीआरपी में नंबर 1 पर बना हुआ है। वहीं बात करें रिश्ता क्या कहलाता है कि तो फिलहाल शो में चौथी पीढ़ी की कहानी चल रही है। शो में समृद्धि शुक्ला, रोहित पुरोहित और गर्विता अहम रोल में नजर आ रहे हैं। खैर, देखने वाली बात यह है कि अब राजन शाही के इस चौंकाने वाले खुलासे पर हिना खान किस तरह से रिएक्ट करती हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या है कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।